नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन के लिए ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 31 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है, तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो तारिक सर्वर 5 ये आपका रेफरल कोड है, इससे आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन को परचेस करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। चालू, कमाऊ, समझना या पठित। पहले क्वेश्चंस का आंसर आपको मोस्टली दिख जाता है, क्योंकि पीडीएफ जो है वो मैं आंसर नीचे करना भूल जाता हूँ। चलिए कोई नहीं, एक ही क्वेश्चंस का देख पाएंगे आप। तो इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो समझना, समझना जो है वो क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चंस का आपका तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? वहाँ, यहाँ, कल या आज। तो जल्दी से बता दीजिए कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो क्रिया से बना हुआ विशेषण है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका आज, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि इनमें से कौन सा शब्द पुरलिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? देखो, पुरलिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काली, बड़ा, ऐसा या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा शब्द जो है वो पुरलिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? काली, काले शब्द से बना हुआ है। समझ गए, पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है, यानी कि संस्कृत शब्द से तद्भव शब्द बनाया गया है? बच्चा, बच्छ, ए और बी दोनों। जल्दी से बता दीजिए कौन सा शब्द जो है वो संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका बच्चा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? लाल फूल, पांच लड़के, दस हाथी या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए गुणवाचक विशेषण। तो देखो, पांच लड़के और दस हाथी, ये तो आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया, तो लाल फूल आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दो, तीन, पाँच या आठ। तो जल्दी से बता दीजिए कि संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों, अगर हम बात करें संख्यावाचक विशेषण की, तो संख्यावाचक विशेषण जो हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? शेर भर दूध, चार गज, सब धन या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए कि परिमाण बोधक विशेषण कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो अगर हम बात करें परिमाण बोधक विशेषण की, कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका शेर भर दूध, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दस, चार, दो या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रयोग की दृष्टि से जो आपके विशेषण हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने दोस्तों? दो, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन, ध्यान रखना प्रयोग की दृष्टि से, नहीं तो आप सोचोगे गलत है। गलत नहीं है, सही है। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है? मेरा लड़का आलसी है, सतीश सुंदर लड़का है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। विधेय विशेषण की बात हो रही है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पहला, मेरा लड़का आलसी है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ध्यान रखना विशेषण इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि मैं आपको क्या बता दूं। आरओ का एग्ज़ाम उठा के देख लो, जो आपका अभी हुआ था, समझ रहे? तो आरओ का जो एग्ज़ाम है उसमें मुश्किल से हिंदी में 10 क्वेश्चन जो है वो केवल विशेषण चैप्टर से थे, समझ रहे? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है विशेषण। इनमें से कौन सा शब्द मूल अवस्था है? प्रियतर, लघुत्तम, सुंदर या इनमें से कोई नहीं।
तो उस शब्द की बात करें जो मूल अवस्था में है तो वह है आपका सुंदर, यानी कि इसको तोड़ा मरोड़ा नहीं गया, वैसे ही का वैसा ही है सुंदर, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखो लघु होता है और एक लघुत्तम, तो ये देखो इसको बदला गया है, प्रिय होता है और प्रियतर, तो इसको भी बदला गया है, तो सुंदर ज्यों का त्यों है, यानी कि इसलिए इसे मूल अवस्था वाला शब्द बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका कि दांत का उच्चारण स्थान है, दांत का उच्चारण स्थान है नाक कान ओष्ठ यानी में से कोई नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं, दांत का उच्चारण स्थान नहीं नाक बोला जा रहा है, तो ये आपका यहाँ, तो आप यहाँ जो है वो उसका उच्चारण स्थान जो है वो नाक और मुंह से होता है, तो आप इस क्वेश्चन को बदल भी सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा पहला नाक। नेक्स्ट है आपका कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, 32 52 40 या 20, तो जल्दी से बता दीजिए हिंदी में वर्णों की संख्या कि एक्चुअल में कितने होते हैं। तो हिंदी में अगर हम बात करें वर्णों की संख्या कि हिंदी में टोटल कितने वर्ण होते हैं, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 52, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ, उत्तर भारत में आंध्र प्रदेश में जम्मू कश्मीर में इनमें से कोई नहीं, तो जल्दी से बता दीजिए हिंदी भाषा का जन्म जो है वो कहाँ हुआ, तो हिंदी भाषा का जो आपका जन्म है ये उत्तर भारत में हुआ है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी खड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है, रामपुर मेरठ देहरादून या इनमें से सभी, तो जल्दी से बता दीजिए कि हिंदी खड़ी बोली जो है वो किस जिले में बोली जाती है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी कि सभी जिलों में बोली जाती है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया, आंध्र प्रदेश पंजाब राजस्थान या जम्मू कश्मीर, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो उस राज्य का नाम क्या है, उस राज्य का नाम है आपका आंध्र प्रदेश, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि भाषा के कितने रूप होते हैं, 1 2 4 या 7, तो जल्दी से बता दीजिए कि भाषा के एक्चुअल में रूप कितने होते हैं, तो अगर हम बात करें भाषा के रूप की तो भाषा के कितने रूप होते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा है, हिंदी संस्कृत मराठी या अंग्रेजी, तो जल्दी से बता दीजिए कौन सी भाषा जो है वो देश की सबसे पुरानी भाषा है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका संस्कृत। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत भाषा जो है वो देश की सबसे पुरानी भाषा है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सी भाषा मध्य देश की प्रमुख भाषा थी, ये हमसे पूछा गया है, मगधी पेशाची शौरसेनी या अर्धमगही, तो जल्दी से बता दीजिए कि सही आंसर क्या है, कौन सी भाषा मध्य देश की प्रमुख भाषा थी, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मगधी, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, मगध देश की प्रमुख भाषा मगधी। मगधी किस भाषा की उपबोली है, राजस्थानी पश्चिमी हिंदी पूर्वी हिंदी या बिहारी, तो जल्दी से बता दीजिए मगही किस भाषा की उपबोली है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका राजस्थानी, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किस भाषा की उपबोली है, राजस्थानी भाषा की उपबोली है। और लास्ट क्वेश्चन से दोस्तों आपका कि निम्न में से कौन कौन सी भाषा भारत देश की प्रथम देश भाषा है, पंजाबी संस्कृत हिंदी या पाली, तो हमको उस भाषा का नाम बताना है जो भारत देश की प्रथम देश भाषा है, तो वह हो जाएगी आपकी पाली, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको मैंने आपको इस वीडियो में कवर करवा दिए। आपको ईमानदारी के साथ बताना है बिल्कुल कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं इस टेस्ट के अंदर। मैं डेली बेसिस पे आपको टेस्ट करवाता हूँ और डेली बेसिस पे इसी टाइम पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको कभी भी 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जाऊंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने, प्रोटीन का संश्लेषण होता है गोल्जी काय में, राइबोसोम में, माइट्रोकॉन्ड्रिया में या सेंट्रोसोम में, तो सही आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों साथ ही साथ ये जो वीडियो है अपने उन दोस्तों में आपको शेयर करना है जो कि
यूपी जेल वार्डर और फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, ठीक है। मैं डेली बेसिस पे आपको दो वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ, सुबह में रेलवे की, शाम को आपकी यूपी पुलिस जेल वार्डर की, ठीक है। यही दो वीडियो आपकी डेली बेसिस पे चल रही हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे मोटिवेशन देता है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।